हेलो एवरीवन, दिस इज़ चैप्टर 22 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो सेक्शन 503 टू 510 तक एक्सटेंड करता है। इसके जो ट्रिक्स मैंने बनाए हैं, ये भी जो है एक तरह से इंटरलिंक्ड नहीं है। इसमें कुछ भी कहीं से भी जो एक्स्ट्रा मिसलेनियस पार्ट दिया गया है वो इसमें इन्वॉल्व हो गया है। तो हम इसके ट्रिक्स इस तरह से बनाएंगे कि इसमें तीन चीज़ें आती हैं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनॉयंस। ठीक है, तो CIINA मैंने इस तरह से वो कर दिया है। तो सेक्शन नंबर 503, 504 एंड 505 जो है रिस्पेक्टिवली इन चीज़ों से डील करेंगे। 503 में क्या है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने इसमें एज अ ड्रॉ किए हुए हैं, जो आपको फ्रंट पिक्चर से मिल जाएगा। ओके, ये दिस इज़ अ पर्सन। इसको जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी पर्सन को प्रॉब्लम होगी, या उसकी रेपुटेशन को प्रॉब्लम होगी, या उसकी प्रॉपर्टी को प्रॉब्लम होगी, इस तरह से किसी को भी इंटिमिडेट किया जाएगा टू डू सम एक्ट विच इज नॉट लीगल, वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आ जाएगा। देन आता है इंसल्ट। इंसल्ट ऑब्वियसली कुछ भी आप बोलोगे, कहीं भी बोलोगे, तो वो इंसल्ट में आ जाएगा। किस लिए? बट सेक्शन 504 में जो है वो है इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रवोक ब्रीच ऑफ द पीस। पीस कहाँ पे होती है? लाइब्रेरी में होती है। सो आई क्रिएटेड दिस लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा पीस होती है, तो इंसल्ट कर दिया। किस लिए? लाइब्रेरी में किसी को इंसल्ट किया, टू ब्रेक ब्रीच ऑफ द पीस। हालांकि ये इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, दिस इज इन रिलेशन टू सम पॉलिटिकल एजेंडाज एंड सो ऑन। फिर आता है सेक्शन 505 पे। इसमें आता है कि आप जैसे कुछ भी कोई स्टेटमेंट है या कोई र्यूमर है या कोई रिपोर्ट है, उसको बना रहे हो, पब्लिश कर रहे हो या सर्कुलेट कर रहे हो, ये भी एक तरह से पब्लिक एक तरह से पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ये, एक तरह से, जिसकी वजह से ये सेक्शन 505 आई थिंक ऐड हुआ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं 506, 509 एंड 507, 8 एंड 10। हम इसको अलग तरह से डील करेंगे। पहले तो 503, 504 एंड 505 हो गया, देन 506 है, इसकी पनिशमेंट है, एंड 507 एंड 508 भी जो है इसके अंडर में आते हैं। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंडर में क्या आता है? सेक्शन 503, 506, 507 एंड 508। एंड इंसल्ट के अंडर में आता है 504 एंड 509। एंड ये अनॉयंस के अंडर में आता है 505 एंड 510। ओके, तो हम लोग 506 को डील करेंगे। 506 जो है वो इसकी पनिशमेंट के बारे में बताता है, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जिसकी 2 साल पनिशमेंट है एंड फाइन है। और जहां पे भी फाइन एंड में दिया गया है, तो वो उसके साथ एंड और दोनों में ही आएगा। ये नहीं है कि वो और में दिया गया है तो सिर्फ एंड में आएगा। ठीक है, फाइन एंड जो पनिशमेंट है वो 2 साल, ये भी दे सकते हैं या ये और ये इंडिविजुअली दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 507 एंड 508 पे। 507 बोलता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एन अनोनिमस कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन कर दिए उससे क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। ये मैंने इसकी यहाँ पे ड्रॉइंग ही बनाई है, बिकॉज इस पे कुछ इसके रिस्पेक्ट में कुछ एग्जैक्टली मिल नहीं रहा था मुझे, बट यू कैन रिमेंबर दिस। अनोनिमस कम्युनिकेशन है, कोई भी करके चला गया, कोई भी, दिस इज नॉट, कोई भी कह गया। फिर उसके बाद 508 पे एक्ट कॉज्ड बाय इंड्यूसिंग पर्सन टू बिलीव दैट ही विल बी रेंडर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन डिसप्लेजर। ओके, किसी को बेवकूफ बनाना, अंधविश्वास। ठीक है, अंधविश्वास में हम ठीक है, किसी को पागल बनाना, किसी को अंधविश्वासी बनाना, ये दोनों जो है जो इतने रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मैंने इनका कोई डायग्राम नहीं फाइंड किया। देन 509, 509 इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आजकल ड्यू टू दिस फेमिनिज्म आजकल ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इन कॉमन, एज अ कॉमन पर्सपेक्टिव भी आपको आना चाहिए कि 509 क्या है। वर्ड, जेस्चर या एक्ट से किसी भी वुमेन की मॉडेस्टी को इंसल्ट करना, किसी भी वुमन, ठीक है, तो इसके लिए पनिशमेंट है 1 ईयर की। इसकी पनिशमेंट थोड़ी कम है, बिकॉज देखिए जो भी पनिशमेंट, जो पनिशमेंट्स हैं इसमें आईपीसी में, इसको हम लोग को एक अलग तरीके से समझना होगा कि जो लेजिस्लेचर है उसने पनिशमेंट्स रखी किस पर्पज से। जो वर्ड्स हैं, जेस्चर है, एक्ट है, कई बार इसको लोग एक मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है, कई बार लोग गलत भी समझ लेते हैं, इसीलिए इसकी पनिशमेंट 1 ईयर दी गई है, और फाइन भी दी गई, और बोथ भी हो सकता है। ठीक है, बट ये जो है क्रिमिनली इंटिमिडेट करना किसी चीज को ऐसे ऐसे, तो ये तो एक्सप्लिसिटली पता चल रहा है ना, इसलिए इसकी पनिशमेंट थोड़ी सी ज्यादा है। देन आते हैं 510 के ऊपर। 510 में क्या है कि मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन।
कोई भी एक ड्रंकन पर्सन अगर पब्लिक में मिसकंडक्ट करता है तो उसको सेक्शन 510 के अंदर डील किया जाता है। देन हम लोग आते हैं इसके 510 की, लेट्स सी एक बार पनिशमेंट देख लेते हैं। मुझे लगता है मैंने शायद नहीं लिखा है। हुएवर इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन अपियर्स इन एनी पब्लिक प्लेस और इन एनी प्लेस विच इट इज अ ट्रेसपास इन हिम टू एंटर एंड देयर कंडक्ट हिमसेल्फ इन सच अ मैनर एज टू कॉज अनोयंस टू एनी पर्सन शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 24 आवर्स। ओके, एक दिन का जेल मिलेगा और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 रुपीज और विद बोथ। ओके, तो दोनों पनिशमेंट मिल सकती हैं। इसकी पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा ऐसी भीषण पनिशमेंट नहीं है, इसलिए इतना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन बाकी इसमें जो भी है वो डिटेल में जाने वाली ऐसी कोई चीज़ है नहीं, सो वी विल नॉट बी डीलिंग विद दैट। पब्लिक मिसचीफ में एक बार आप सेक्शन 505 देख लीजिएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा है और आ सकता है, इसके आने की चांसेस हैं। सो थैंक यू, प्लीज़ कीप फॉलोइंग दिस चैनल। एक बार इस पिक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको रिवीजन करना हो तो जस्ट पॉज एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। थैंक यू, प्लीज़ फॉलो माई चैनल एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट।